हाय फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम। आज हम आप लोगों को बेबी डायपर बनाना बताएंगे। बहुत ही इजीली बन जाता है डायपर और बहुत ही कंफर्टेबल सा डायपर। तो इसको बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। कपड़ा आपको नेकर के हिसाब से नाप करके ले लेना है। जिस साइज का आपका बेबी का नेकर बिल्कुल फिट बैठता हो उसी हिसाब से आप नाप करके ले सकती हैं। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, मैंने टू पीस में कपड़े का लिया है। एक हमें नीचे की साइड और एक ऊपर की साइड लगाना है। और इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए मैंने पॉलीथीन का यूज़ किया है। तो आप कोई भी सॉफ्ट सी पॉलीथीन का यूज़ कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े की लंबाई और चौड़ाई नाप ली है। दोनों साइड से मैंने 14-14 इंच रखा है। फिर भी मुझे लेकिन इसकी कटिंग करने में चौड़ाई मुझे थोड़ा सा कम करना है। तो सबसे पहले हमने दोनों कपड़े को एक साथ रख लिया है। बिल्कुल सही सही मैंने इसे रख लिया है। लंबाई चौड़ाई तो सेम है, लेकिन कटिंग करने में थोड़ा सा हमें चौड़ाई कम करना है। तो अब आप देख सकती हैं कि इस तरह से मैंने इसको 13 इंच की चौड़ाई में नाप करके यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। 13 इंच मैंने चौड़ाई रखी है। तो दोनों साइड हाफ हाफ इंच हमें सिलाई में लेना होगा। तो ये तैयार 12 इंच में होगा। तो अब हम इसे इस तरह एक बार और फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। तो दोनों कपड़े को मैंने इस तरह से 4-4 फोल्ड में कर लिया है और दोनों को मैंने एक साथ रख के कटिंग किया है, क्योंकि हमें बार बार कटिंग करना होता है। एक साथ रख करके कटिंग करेंगे तो एक ही साथ इसकी कटिंग हो जाएगी। तो अब यहाँ से पहले निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर, और इधर से हमें निशान लगाना है। ऊपर की साइड से मैंने निशान लगाया है 4 इंच पर, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3.5 इंच इसकी लंबाई है। तो अब इसे इस तरह से गोलाई का निशान लगा लेना है, और किनारे की साइड जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसे हमें कट कर देना है। तो इस निशान पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये थोड़ा छोटे बेबी के लिए है, तो इस तरह से मैंने ये गोलाई थोड़ा सा कम ही कटिंग की है। अगर बड़े बेबी के लिए हो तो आपको इसकी गोलाई और ज़्यादा कटिंग करनी होगी। ये लगभग 6 से 7-8 महीने तक के बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकती हैं। अब ये जो है किनारे का जो हम निकला हुआ पार्ट है, इसे हम कट करके बराबर कर देंगे, क्योंकि सिलाई में हमें पूरी फिनिशिंग के साथ इसको चारों तरफ से बराबर कट करना होगा। तो अब देखिए इसकी कटिंग इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम इस तरह से खोल लेंगे। तो ये हमारा 2 पीस कपड़े का कटिंग हो गया है। अब इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए हम इसमें पॉलीथीन का यूज़ करेंगे, जो कि हमें सॉफ्ट सी पॉलीथीन यूज़ करना है, बहुत ही हार्ड नहीं। तो मैंने देखिए ये बहुत ही ओल्ड पॉलीथीन का यूज़ किया है, क्योंकि न्यू हमारे पास नहीं थी। तो आप कोई भी पॉलीथीन यूज़ करें वो तो अंदर की साइड चली जाएगी, वो दिखेगी नहीं, लेकिन सॉफ्ट होनी चाहिए। तो अब ये वाला कपड़ा भी हम इस पर रखेंगे। इस तरह से इसको एकदम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे पहले चारों तरफ से, और फिर इस तरह से हम पूरा आउटलाइन सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई तो मैंने कर ली है। सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है या पॉलीथीन है हम सारे को हम कट कर देंगे। तो मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को और पॉलीथीन को इस तरह से कट कर दिया है। कट करने के बाद अब हमें इसमें बीच में इस तरह से लगाने के लिए मैंने 2 पट्टियाँ सिलाई की हैं। ये पट्टियाँ मैंने इस तरह से रख करके इसके नाप से कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमें दोनों जगह इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। ये सिलाई लगाने के बाद ये मैंने उरेब पट्टी कटिंग की है, यानी कि जो हमें पाइपिंग लगानी है उसके लिए मैंने उरेब कपड़ा कटिंग किया है। तो इसे अब यहाँ से रख करके हम एक सिलाई लगा लेंगे पूरी गोलाई में। दोनों साइड हम इस पाइपिंग को सिलाई कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड मैंने इसकी सिलाई कर ली है। इस तरह से मैंने पट्टी भी उसमें फिक्स कर दी है। अब सीधी साइड पलट करके इसे 2 बार हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इस पर हम पाइपिंग की तरह सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी पाइपिंग बनके रेडी हो जाएगी। तो मैंने पाइपिंग की सिलाई तो कर ली है। अब ये डायपर हमारा बीच का जितना भी इसमें सिलाई करनी थी वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। अब ये मैंने ऊपर की साइड बेल्ट के लिए 2 पट्टियाँ कटिंग की हैं। मैंने पट्टी की चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा रखी है, चौड़ाई इसकी कम भी रखी जा सकती है। कपड़ा थोड़ा हल्का है इसलिए मैंने इसको अंदर थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करने के लिए रखा है। लंबाई इसकी मैंने रखी है 10.5 इंच, और चौड़ाई देखिए 5.5 इंच है, जो कि इसे आप 3 इंच में भी कटिंग कर सकती हैं पट्टी को। तो अब इस तरह से दोनों साइड हमें इसको बेल्ट की जगह यूज़ करना है। अब बेल्ट हमें किस तरह से लगाना है, इस तरह से हमें इसको फोल्ड करके बीच में एक कट लगाना होगा। और ये जो मैंने बेल्ट के लिए पट्टी की कटिंग की है इसमें भी हमें सेंटर में एक कट लगाना होगा। ये कट लगाने के बाद इसे हम इस तरह से खोल लेंगे, और इस पर हम अपना डायपर रखेंगे। यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे।
और ये जो दोनों कट मैंने लगाया है इसको एक दूसरे के साथ इस तरह से मिला लेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसमें हम छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह से चुनट लगा लेंगे। ये चुनट हमें इसलिए लगाना होगा क्योंकि बच्चों की कमर की फिटिंग के लिए हमें ये लगाना होगा। अगर आप चुनट ना लगाएं तो बेल्ट आपको पूरी साइज़ का कटिंग करके इसमें इलास्टिक लगानी होगी। तो देखिए मैंने इस तरह से इसमें हल्का हल्का चुनट लगा करके इसको बेल्ट की साइज़ से सिलाई कर दिया है। एक सिलाई करने के बाद इस तरह से हम इसको ऊपर करेंगे पट्टी को, और फिर हम फोल्ड करके इस तरह से इस पर एक और सिलाई लगा देंगे जिससे हमारी पट्टी यानी कि बेल्ट बनके तैयार हो जाएगा। इस चुनट को लगाने के बाद भी आप चाहें तो इस बेल्ट में इलास्टिक लगा सकती हैं, आपकी मर्जी है इसको इस तरह से फिटिंग बनाने के लिए, लेकिन मैंने इसमें इलास्टिक का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो एक साइड भी इलास्टिक लगा सकती हैं। देखिए मैंने दोनों साइड का बेल्ट बना करके तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हमें ये साइड का जो हिस्सा है इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस पर देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेना है। दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब इधर वाला पार्ट जो है इसमें भी हमें सिलाई लगाना है, लेकिन सिलाई लगाने में इस तरह से पहले कपड़े को फोल्ड करना है। अब इसके साथ हमें ये पतली पतली मैंने दो चार पट्टियाँ सिलाई की हैं, इसको हमें लगा करके सिलाई करना होगा। तो पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। मैंने डबल इसको फोल्ड कर लिया है, लूप बना लिया है, और इस पर हमें सिलाई लगा लेना है, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड, दोनों साइड हमें लगा लेना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें सिलाई करनी होगी। सिलाई को मजबूत कर लेंगे। तो देखिए एक साइड मैंने इस तरह से बना करके तैयार कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को यहां से हम कट कर देंगे। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड बना लेना होगा। तो देखिए मैंने दोनों साइड बना लिया है, यानी कि हमारा पूरा डायपर बनके तैयार हो गया है, पूरी तरह से कंप्लीट है। इसे हमें यूज़ करने के लिए इस तरह से फोल्ड करना होगा, और यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर निशान लगा लेना है क्योंकि इसमें हमें बटन लगाना होगा। तो चारों जगह हम इस तरह से निशान लगा करके बटन लगाएंगे। बटन को हम चारों निशान पर लगा करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। बटन हमारी लग करके कंप्लीट है। अब ये जो मैंने लूप लगाया है इसी में हमें बटन को बंद कर देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा बेबी डायपर पूरी तरह से बनके कंप्लीट है। आपको यूज करने के लिए ये पूरी तरह से कंप्लीट है। अगर आप चाहे तो बटन की जगह वेलक्रो भी लगा सकती हैं, चाहे तो ये बटन भी लगा सकती हैं, और बेल्ट में आप चाहे तो इलास्टिक भी लगा सकती हैं। वैसे मेरे चैनल पे हर तरह की वीडियो पड़ी हुई है, आप देख करके डायपर को बना सकती हैं, इलास्टिक वाला, बिना इलास्टिक वाला, हर तरह का। तो अब इस डायपर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको चार पांच गद्दियां बनानी होंगी इस तरह से। इन गद्दियों की सिलाई नहीं करनी है, बस सिंपल सा आपका कोई भी कॉटन का दुपट्टा हो उसे आप दो जगह तीन जगह करके उसे फोल्ड करके इस तरह से गद्दी बना सकती हैं, और उसको दिन भर आप यूज करती रहें और निकाल के वॉश करती रहें। ये आधा से एक घंटा तक आराम से आपका चलेगा एक गद्दी, फिर उसे आप निकाल करके वॉश कर दें और दूसरी गद्दी को लगा दें। तो इस तरह से ये डायपर आपका दिन भर काम देता रहेगा। तो अगर आपको और भी तरीके के डायपर बनाने की ज़रूरत है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकती हैं, बहुत सारे मैंने डायपर की वीडियो डाली हुई है, अलग अलग तरीके की, बेल्ट वाली और वेलक्रो वाले, हर तरह के डायपर हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो आई होप कि मेरी डायपर की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।